अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आखिर तुम्हें हो क्या गया रूपा, एकदम से इतनी कैसे बदल गई? आप देव को बुलाइए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। रोहित रूपा नाम की लड़की का फोन आया था हमारे पास। मिस्टर देव, आपकी जगह जेल के अंदर है, चलिए हमारे साथ। हो क्या गया है हमें, एक के बाद एक ये सब क्यों कर रहे हैं हम? कोई तो वजह होगी और उसकी जड़ तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के दिमाग में? यकीन नहीं होता तुम हमारे साथ ऐसा कर सकती हो। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं देव, कि हमने कुछ नहीं किया। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये सब हो क्या रहा है। ओ, तो दरार भरने की बजाय और गहरी हो रही है। बहुत खूब। पापा, माँ कहती है खाने से कभी नाराज नहीं होते। चिक्की, दिखाओ बेटा, हम कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके साफ कर लूंगी। ध्यान से। बहुत भूख लग रही है आपको, बहुत ही भूख लग रही है, ऐसे चूहे ना। अब कौन सी नई मुसीबत दरवाजे पे दस्तक देने आ गई। पारो, नहीं आंटी जी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। ये पारो नहीं, रूपा है। नहीं, ये पारो है। आंटी, आपसे पहले बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो चुकी है, ये रूपा है हमारी धर्मपत्नी। मगर मैं धोखा नहीं खा रही हूं, मैं यकीन के साथ कह रही हूं कि ये पारो ही है। क्योंकि उस दिन जब मैं उस छोटी सी गुड़िया को छोड़ने के लिए अनाथालय गई थी, तो उसके गले में एक लॉकेट था। उस लॉकेट पे यही पारो और उसके पति शंकर की तस्वीर थी। और उस तस्वीर के पीछे इन दोनों का नाम लिखा था। ये चिक्की ही इस पारो की बेटी है। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? किसका मतलब रूपा ही पारो है? मतलब रूपा के दो रूप है? वो पारो रूपा बनकर घर में रह रही थी। ये लॉकेट, ये देखिए, इसमें पारो और शंकर की तस्वीर है। देखिए, ये तो रूपा ही है। ये सब क्या है? क्या ये सच है रूपा? पारो, ये माजी जो कह रही है, क्या ये सब सच है?
अरे बोल काहे नहीं रही हो, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरी माँ? चिक्की माँ की रानी बिटिया है ना, नहीं रोती। अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो ठीक है, मैं इस बच्ची को ले जाकर फिर से अनाथाश्रम में दे देती हूँ। चलो बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो बेटा। माँ है, आप हमारी बेटी हैं। बेटी हमें मिली है, अब हम इसे अपने से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। ये हमारे पास रहेगी, हमारी बच्ची हमारे पास रहेगी। बहुत याद किया है हमने आपको, अब घबराना मत बेटा, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको, कहीं नहीं जाने। जीजी, बड़ी खराब किस्मत है आपकी जीजी। पारो की हालत और घर वालों का गुस्सा, ये देखने वाला नजारा है। नजारा बयान भी तो किया जा सकता है, बताओ ना क्या हो रहा है। हाँ जीजी, बताती हूँ। हमारी बेटी। कहा तुमने, क्या कहा कि तुम पारो हो? ये चिक्की की माँ हो तो फिर रूपा कौन है? हम पूछ रहे हैं, रूपा कौन है? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको। हमारे ही घर में रह के हमारे ही आंखों में तुम धूल झोंक रही थी। अब समझ आया हमको, आप समझ आया कि तुम धोखा देने के लिए ही हमारे घर में आई थी। धोखे से तुमने देव से शादी की, सबका दिल जीता। अब नहीं, अब है ना तुम्हारा ड्रामा खत्म।
हम तुमको एक पल भी इस घर में नहीं रहने देंगे। निकलो। जीजी। हाँ, क्या हुआ? घर निकाला का कार्यक्रम शुरू हो गया है। चलो, नहीं चलो। चाची जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए चाची जी। हमारे पास वजह थी ये सब करने की, हमने किसी का। चुप करो। अब और छूट नहीं चलेगा तुम्हारा। चलो निकलो। चाची जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मैं इस घर से मत निकाली। हमें माफ कर दीजिए। हम देव और बुलबुल के बिना नहीं रह सकते चाची जी, प्लीज। क्या है बड़ी आई, उनके बिना नहीं रह सकते? ये जो चूना है ना, अभी दूसरे परिवार को जाके लगाओ तुम। एक सेकंड भी अब तुमको हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। चलो चाची जी, निकलो चाची जी। बधाई हो जीजी, पार हो इस घर से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और आपके लिए देव के दिल में उतरने का रास्ता साफ। ठहरिए चाची। देव, एक बार ये सब करने की जरूरत नहीं है चाची। ये मेरा रूपा का मसला है। पर देव, तुम चाची प्लीज, अब और कुछ नहीं सुनेंगे हम। मैं संभाल लूंगा यहां से। देव, इस लड़की ने तुमको इतना बड़ा धोखा दिया और फिर भी तुम इसी की तरफदारी कर रहे हो। जी, देव पारो को ऊपर लेके जा रहा है। पहचान बदली अपनी। क्या चाहती हो तुम? बताओ क्या चाहती हो? पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए बताओ? बताओ कितने पैसे चाहिए? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? क्या लेने आई हो यहां पर? बदला, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कोशिश की थी, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी सच्चाई तुम्हारे दिल तक पहुंच ही नहीं पाई। मतलब तुम सच में पार हो? नहीं,
हाँ हम पारो हैं। पांच साल पहले हम इसी घर में रहते थे अपने परिवार और पति के साथ। फिर एक दिन उन लोगों ने हमारे पूरे परिवार को मार दिया। हमारे पति का खून कर दिया और हमारा भी। हम सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्हें लगा कि हम भी मर चुके हैं। देव हम 5 सालों से कोमा में थे और जब हमें होश आया हम इस घर में वापस आए तो यहाँ सब कुछ बदल चुका था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारी बच्ची जिंदा है। बेचारे बुलबुल का क्या होगा? देव, हम जानते हैं हमने तुमसे सच्चाई छुपाई है। तुम्हारी नजरों में शायद तुम्हें धोखा भी दिया है, मगर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा सच आज ये है कि हम तुमसे और बुलबुल से बहुत प्यार करते हैं। हम तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते देव, नहीं रह सकते हम। देव हम तुम्हारी पत्नी है, बुलबुल की माँ है। हमारी सच्चाई जानने के बाद तुम चाहो तो हमें पुलिस के हवाले कर दो, मगर हमारे प्यार को हमारी ममता को झूठा मत समझना। बहुत प्यार करते हैं तुम दोनों से। चाची, 2 मिनट सुकून से बात कर सकते हैं क्या? अब बात करने के लिए बचा ही का है देव? अरे इस लड़की के घड़ियालू आंसू देख के पिघलने की जरूरत नहीं है, ये फिर से धोखा देगी। ए लड़की, अपने झूठे प्यार के जाल में ना हमारे देव को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुमको। बहुत हो गया तुम्हारा है? निकलो इस घर से, निकल, निकलो, आओ यहाँ से, निकलो हमारे साथ। चल रूपा, रूपा बोल बोल के ना सबने इस लड़की को अपने सर पे बैठा के रख लिया था। और पता चला ये तो रूपा है ही नहीं, ये तो पारो है। अरे मजाक बना के रख दिया सबने। तुम निकलो, निकलो यहां से। सब क्या हो रहा है देव? देव, अब और झूठ नहीं दादाजी। मतलब
पहले इस पराई लड़की का हाथ छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ये मेरी पत्नी है। मोहिनी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बाबूजी संभालिए। हमारे देव की शादी तो मोहिनी से नहीं, तो कैसे? बाबूजी शांत हो जाइए। देव ये तो गलत कर रहा है, बाबूजी के सामने ये सब। और फिर क्या करूं मां, तो आप ही बताइए। एक झूठ के बुनियाद पे अपनी सारी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। बस हो गया, बोर नहीं होता मुझसे ये सब। आज मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि मेरी शादी रो। कि पारो मेरी पत्नी है। रिश्ता भोलेनाथ के आशीर्वाद से बना है। दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। देविका जी, जी देख रही हो आप, ये आपका लाडला पागल हुए जा रहा है। इस धोखेबाज लड़की को घर से निकालने की जगह उसको गले लगा रहा है। हम बोल रहे हम बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। चाची बस करिए। बस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। बस शादी से पहले इसकी, इस लड़की की एक बेटी थी। इतनी बड़ी बात को तुम कैसे गलत साबित कर सकते हो? क्या फर्क पड़ता है उससे चाची? शादी से पहले मेरी भी एक बच्ची थी ना। फर्क पड़ता है देव, क्योंकि हमारे समाज में ना एक मर्द की बेटी होना और एक औरत की बेटी होने में बहुत फर्क है। फर्क नहीं पड़ता चाची, फर्क किया जा रहा है। और इस लड़की ने जो हमसे सच्चाई छुपाई उसका क्या? किसने झूठ नहीं बोला हमसे? मान लो कि झूठ बोला इसने, गलती की उसने। क्यों विश्वास नहीं किया मुझ पे तुमने? एक बार अपना सारा सच बताकर तो देखती मुझे। बताना चाहते थे हमसे गलती हो, मैं माफ कर दूं। डर गए थे, तुम्हें खोने का डर था हमें, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। आपने चिक्की का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस घर में आया मेहमान है हमारे। देव सही बोल रहा है, आप यहीं रहिए, आपके लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना। बुलबुल बच जाती है ये, ऐसा क्या करूं?
ऐसी तरकीब निकालूं जिससे इस मार से हार का मुंह देखना पड़े? क्या करूं? कितनी भी कोशिश कर लेना कि हर जन्म में तू मुझसे हारी है और इस बार भी जीत मेरी ही होगी और हार तेरी, ये मोहिनी का वादा है। अरे काकी, आपने क्यों तकलीफ की? कुछ चाहिए था तो हमें बोल देती, हम आ जाते। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए था, दरअसल हम यहाँ से जाना चाहते हैं। नहीं काकी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आपने हमारी चिक्की को अपनाया, उसे पाला पोसा, उसका ख्याल रखा। नहीं काकी, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, चिक्की इतनी प्यारी बच्ची है, हमारी जगह कोई भी होता तो यही करता। वैसे भी हमारी जगह यहाँ नहीं, वृद्धा आश्रम में है। अब चिक्की को अपनी माँ मिल गई, तुम दोनों खुश रहो, हमारा यहाँ क्या काम है, हम चलते हैं। धन्यवाद काकी, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। चलिए। जी चलिए, हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं, आइए। चलो। कैसे छोड़ दूं? देव और पारो अलग होने ही वाले थे कि ऐन मौके पर तू आ गई और वो वापस से मिल गए। इसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी क्या गलती है? हमने तो वही किया जो आपने कहा, हमने वही किया जो आप चाहती थी। हमें ये सजा क्यों मिल रही है? क्यों मिल रही है? सजा इसलिए क्योंकि मैंने तेरी आंखों में मजा देखा है। बहुत खुशी खुशी आशीर्वाद दे रही थी ना उन्हें, अब उसका फल तो मिलेगा। मतलब तुम देख सकती हो, हैरान नहीं है हम। चुड़ैल होना, धोखा देना, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत में है। जब पता है तो इतनी देर क्यों की पहचानने में? और इतना मत भूलो, मेरे हाथों ये तुम्हारी पहली हार नहीं हो। तो किसी को मारने आई हूं, पर उसे नहीं तो तुझे से।
ये तेरी सेना नहीं है सांपों की, बल्कि मेरे मायावी सांप हैं, जो तेरे खून के प्यासे हैं। और सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक चुड़ैल बिगाड़ सकती है और तेरी खुशियां भी उजाड़ सकती है। बार बार जन्म लेने के बाद भी तुझे बात समझ नहीं आई ना कि तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती है। समझाया था तुझे कि देव से दूर रहना, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी। मुझे सांस कितनी आ रही। माँ तेरी मौत से जन्म लेगा देव के और मेरे नए रिश्ते का जन्म। काकी आप ठीक तो है ना? काकी काकी आप डरिए मत, हम हैं ना आपके साथ। वो फिर से आ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मोहिनी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप मत डरिए, कुछ नहीं होने देंगे आपको।
छुड़ाएंटी है वो माँ को नहीं। हे भोलेनाथ, ये कौन था? किसने बचाया हमें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जिसके जहर से मोहिनी बेहोश हो गई? चीची कहीं नजर ही नहीं। हमें चिक्की से बात करनी होगी, उसे बुलबुल के साथ अच्छे से प्यार से रहना है। ऐसे कैसे वो
जानिया वे माहिया वे जानिया वे माहिया वे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। और भी सरप्राइज है। इससे अच्छा क्या तोहफा हो सकता है? एक नए सफर की शुरुआत, जिसका पहला कदम लेते सारे राज, सारी दूरियां, सारी नाराजगी सब पीछे रह जाएंगी। और इस सफर पे तुम, मैं और हमारी दोनों बेटियां सब साथ चल पड़ेंगे। एक राज है जिसे अब तक हम तुम्हारे सामने नहीं खोल पाए हैं देव। कैसे बताएं तुम्हें कि हम एक नागिन हैं? कैसे बताएं? कहाँ हो गए? कुछ नहीं। तो चलोगे मेरे साथ इस सफर पर? मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए। थैंक यू। अगर कभी तुम्हें पता चले कि कोई और बात भी है जो हमने तुमसे छुपाई है तो मैं समझ जाऊंगा कि जरूर कोई ठोस वजह होगी जो तुमने मुझसे वो बात छुपाई। क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? देखो अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। बिल्कुल सही मौका है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी बात को समझूंगा। दरअसल देव, देव को हम सच्चाई नहीं बता सकते। हमारी बेटियां, हमें ऐसा लगता है कि बुलबुल और चिक्की के बीच कोई मनमुटाव है। वो दोनों आपस में अच्छे से प्यार से नहीं रहते हैं। हो सकता है शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं, पर देव हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी दोनों बेटियां एक साथ रहें, प्यार से रहें, खुश रहें, वैसे ही जैसे बाकी की बहनें रहती है ना, एकदम साथ। चिंता का मीटर है ना, इसे थोड़ा सा डाउन करें। कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, मैं अभी आया। ये देखो, ये दोनों बहनों के लिए, और पूरा यकीन है कि दोनों को पसंद आएगा। चलो चल के साथ में देते हैं। संभाल कर जीजी, संभाल कर जीजी। जीजी आपसे हो पाएगा। जीजी हिम्मत नहीं हारनी है। जीजी अब जीजी जान को छोड़कर आप जो मांगेंगी वो सब हाजिर है, आप बस बोलिए। जीजी हमें शक्ति पाठ करना होगा। जीजी शक्ति पाठ। मेरी मदद करोगे? आप क्या बोल रही हैं? ऐसा करने से तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर नहीं किया तो जान बचेगी नहीं रंभा। पर जीजी गुरु माँ की जान को भी तो खतरा है। आप ना एक बार और सोच लीजिए। जीजी अगर मैं ही नहीं बची तो फिर गुरु माँ का क्या, उनके साथ क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है अगर मैं ऐसा करूंगी तो समझेंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। रंभा चुड़ैल हो तो ऐसी, अपने सिवा इन्हें किसी की परवाह नहीं। एक दिन तेरी भी पली दे देंगी ये रंभा। हाँ।
चीची 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 उठो चीची चीची उठिए चीची चीची आंखें खोलो चीची इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है उसकी जान खतरे में। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।